अब हम पढ़ते हैं सतनामी के बारे में। सतनामी इज वर अ प्रोडक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑफ मेडिवल एरा। सतनामी जो एक सेक्ट था जिसको फाउंड किया गया था 1543 एडी में एक भक्त जिसका नाम था बीरबल, जिसको सद के नाम से भी जानते हैं या बोलते थे, जो कि बिसेर विलेज नारनौल रीजन में जो बिसेर विलेज था वहां पर रहते थे बीरबल एक भक्त, उन्होंने फाउंड किया था सतनामी सेक्ट को। इट वॉज अ ब्रांच ऑफ रैदासी सेक्ट, जो ये थी ना ये एक रैदासी सेक्ट जो था उसकी ब्रांच थी, विच वॉज वन ऑफ द मेन डिसिपल ऑफ द, जो कि रामानंद का एक बहुत ज्यादा मेन भक्त था। एंड स्टार्ट करते हैं इन्हीं के नाम पर, रैदास के नाम पर ही जो फेमस डिवोट संत था नेम रैदास के नाम पर इसको शुरू करते हैं। इट इज सैड दैट, ये बोला गया कि जो बीरबल है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं रैदास जो है उनके उनका जो शिष्य था जिसका नाम था उद्धव दास, इनके करैक्टर से इनके जो इनका करैक्टर था ना इनके जो शिष्य थे ना इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं बीरबल। और जो सत होते हैं वर मोनोथिस्ट, एक होता है पोलोथिज्म एक होता है मोनोथिज्म। पोलोथिज्म होते हैं जो बहुत सारे भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन मोनोथिज्म वो जो एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं, तो ये मोनोथिस्ट थे। अब ये बिलीव करते हैं जो भगवान का जो ट्रू नेम है उस पर बिलीव करते हैं जो है सतनाम। देयरफॉर दे वर, इनको सतनामी बोला जाता है। एंड दे लिव्ड, वो ना तपस्वी की तरह अपनी जिंदगी को जीते हैं। दे जो है जो छोटे छोटे काम करते हैं ना पीपल, छोटे छोटे मोटे काम करते हैं नारनौल रीजन में, उनको ये इंक्लूड करते हैं, जैसे अहीर सुनार खातीर दलित एक्सेट्रा, और एग्रीकल्चर कास्ट जो थी। दे यूज टू गेट देयर, वो अपने फेस को शेव रखते हैं, वो अपने हेड को भी शेव रखते हैं, अपनी आईब्रो को भी शेव रखते हैं वो शेव। Hence they were also called, इनको मुंडिया साधु भी बोलते हैं। एक कंटेम्पररी हिस्टोरियन जिसका नाम है खाफी खान, वो इनके बारे में लिखते हैं इनकी बुक मुंत ख्वाब उल लबाब में। वो बोलते हैं कि दोस्त हु, ये जो है फकीर की तरह जीते हैं, बहुत सारे जो ये फार्मिंग या छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी जीते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ दिस सेक्ट के सिद्धांत के तहत, पर इनकी जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग दे वॉन्ट टू लिव विद देयर ट्रू, अपने ट्रू नाम के साथ जीते हैं, और वो कोई भी ऐसे गलत काम का सहारा नहीं लेते जिससे उनके पैसे या फिर वो ऐसे पैसे नहीं कमाते जो उनको गलत काम करके कमाने पड़े। दे डू नॉट टॉलरेट, अगर कुछ भी रॉन्ग डन, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है ना, तो वो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते, सहनशील नहीं करते हैं। अब मोस्ट ऑफ देम, बहुत सारे अपने साथ वेपन्स रखते हैं। सतनामी जो है मेवात और नरवाल रीजन में रहते हैं उस टाइम पर। उनका जो टोटल नंबर था वो कम से कम 4000 टू लेकर 5000 था। जो सतनामी थे हैड लिव्ड इन देयर विलेजेस में, वो पीसफुल तरीके से रह रहे थे जब वो अकबर और जहांगीर का जो रूल था उसके अंडर वो अच्छी तरीके से रह रहे थे। सतनामी इन द विलेज ऑफ नारनौल रीजन, जो सतनामी नारनौल रीजन में वो विद्रोह करते हैं 1672 में अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द रेवेन्यू ऑफिशियल्स। देखो जो वहां के ऑफिशियल्स थे ना वो वहां पर आ रहे थे उनसे टैक्स लेने के लिए, लेकिन जो सतनामीज होते हैं वो मना कर देते हैं नारनौल रीजन की कि नहीं हमें नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि जो औरंगजेब था ना उसकी जो रिलीजियस कट्टरता थी, जो वो धार्मिक कट्टरता थी उनकी, और जो लोग वहां पर उनको पसंद नहीं कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, इतना लैंड टैक्स दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो वहां पर रिवोल्ट शुरू हो जाता है। एक दिन एक वहां पर ड्यूल्ट होती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एक सतनामी फार्मर होता है, उनके बीच में ना एक दिन लड़ाई होती है। ऑफिशियल हिट द पीजेंट्स हेड विद द स्टिक, जो ऑफिशियल होता है ना वहां का जो ऑफिसर था वो पीजेंट के सिर पर स्टिक मारता है, और अदर सतनामीज गैदर, बहुत सारे सतनामीज आफ्टर हियरिंग द नॉइज, इस नॉइज को सुनकर बहुत सारे सतनामीज वहां पर गैदर हो जाते हैं, और हर एक आदमी उसको आदमी को बहुत तरीके से मारता है ऑफिसर को। जब नारनौल का सिकदार केम टू नो अबाउट इस इंसिडेंट के बारे में, पता चलता है जब नारनौल का जो सिकदार था वो अपनी ट्रूप्स को भेजता है कि जो सतनामीज है, ही सेंट ट्रूप्स टू पनिश द सतनामीज, तो सतनामीज थे उस रीजन के, उनको उनके पास भेजता है कि जाओ उनके उनको पनिश करके आओ, सतनामीज ने ऐसे कैसे मार दिया उन्होंने ऑफिशियल को। बट अ लार्ज नंबर, बहुत सारे जो सतनामीज थे वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो डिफीट द आर्म सोल्जर्स, जो सोल्जर्स भेजे गए थे सिकदार ने वो उनको हरा देते हैं और टूक अवे, और वो उनसे उनके वेपन्स ले लेते हैं, उनके हथियार उनसे ले लेते हैं, और जो रिबेलियन है अरेप्टेड ड्यू टू द पुरेटिव एक्शन बाय द आर्मी, क्योंकि जो आर्मी है ना वो अच्छे एक्शंस नहीं कर रही थी लोगों के साथ, वो इस वजह से जो ये रिबेलियन है ये शुरू हुआ। सतनामीज हैज रिबेल्ड अगेंस्ट, सतनामीज ने औरंगजेब के अगेंस्ट विद्रोह किया है। एंड दे प्लंग्ड इनटू द बैटल विद द श्राउड ऑन देयर हैंड्स, और वो जो है बैटल में कूद पड़ते हैं। दे डिफीटेड फौजदार ताहिर खान को हरा देते हैं, उसकी आर्मी को बहुत गंदे तरीके से जो है सतनामीज हरा देते हैं। नारनौल सिटी को रूल करते हैं सतनामीज, जो रॉयल ऑफिशियल्स ऑफिसेस थे और जो रॉयल खजाना था उनको लूट लिया जाता है, मोस्क्यूज जो वहां पर मस्जिद थे उनको तोड़ दिया जाता है सतनामीज के द्वारा।
सत्तामीज फॉर्म करते हैं उनकी खुद की गवर्नमेंट को एंड टू कोर वहां का जो शासन है वो खुद चलाते हैं नानलो रीजन में, इंदिर अपने हाथों से खुद चलाते हैं कि यहाँ पर ये होगा वो होगा। दे कलेक्टेड लैंड टैक्स को वो कलेक्ट करते हैं फार्मर्स से बाय मेकिंग पोस्ट एट अ प्लेस, एक प्लेस पर पोस्ट बनाते हैं, वहां से वो क्या करते हैं उनसे लैंड टैक्स कलेक्ट करते हैं। एंड ऑल द एम्बलम्स ऑफ मुगल गवर्नमेंट वर डिस्ट्रॉयड, जितने भी मुगल्स के जो गवर्नमेंट के एम्बलम्स है सबको खत्म कर दिया गया। औरंगजेब डर जाता है और मार्च एक बहुत ज्यादा लार्ज आर्मी को वो लेकर चलता है। देखो व्हेन द न्यूज ऑफ सतनामी की सक्सेस की जो न्यूज है औरंगजेब तक पहुंचती है तो मुगल एम्परर बिगिन टू वरी, डर जाते हैं। फियर एंड एंग्जायटी बिगिन टू इंक्रीज इन द मुगल कोर्ट में, डर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे मुस्लिम्स एंड राजपूत रिफ्यूज करते हैं कि हम इनके सतनामी के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते। अफवाह फैल जाती है, बिगिन टू हीट अप द मार्केट दैट द मुगल वेपनरी हैड नो इम्पैक्ट, कि अब अफवाह फैल जाती है कि जो मुगल्स की वेपन है उनका भी कोई असर नहीं पड़ता है सतनामी के ऊपर। तो 15 मार्च 1672 में औरंगजेब एक लार्ज मुगल आर्मी विद मुगल प्रिंस मोहम्मद अकबर के साथ बहुत ज्यादा लार्ज आर्मी को भेजते हैं एंड मोस्ट वर्दी आर्मी हीरोज टू नारनौल में, जो उनके वर्दी जो ट्रस्ट करने वाले जो हीरोज थे उनको भेजते हैं नारनौल में। लेकिन जो रॉयल आर्मीज हैंड एंड फीट वर नम्ब टू हियर द स्टोरीज ऑफ मंत्रास एंड ब्रेवरी ऑफ द सतनामीज, लेकिन जो वहां की जो रॉयल आर्मी थी ना वो बहुत उनके जो पैर है ना वो बिल्कुल कांप जाते हैं उनकी स्टोरीज को सुनकर, उनके मंत्र को सुनकर, उनकी बहादुरी को सुनकर उनके पैर जो है कांप उठते हैं। औरंगजेब हिमसेल्फ रोट, औरंगजेब खुद अपने हाथों से लिखते हैं, उनके वर्सेस होती है पोइट्री लिखते हैं औरंगजेब खुद अपने हाथों से एंड स्टिच डैम, और खुद वो जो रॉयल झंडा है ना उसमें अपने हाथों से उसको स्टिच करते हैं सो दैट, ताकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उनकी आर्मी में उसको जगाया जा सके ताकि वो बैटल में जीत करा सके। अब देखो बहुत सारे जो सतनामीज है वो अपना बलिदान दे देते हैं। व्हेन द रॉयल आर्मी रीच, जब रॉयल आर्मी नारनौल पहुंचती है सतनामीज ब्रोक ऑन, उनके ऊपर ना जैसे भूखा शेर होता है ना उनके ऊपर ऐसे बिल्कुल एकदम से उनके ऊपर पड़ जाते हैं कि चलो लड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड लेकिन जो मुगल आर्मी है उनके पास बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स थे, आर्म्स थे, हथियार थे, लेकिन सतनामीज के पास डंडे थे सिर्फ एंड देवर, लेकिन वो सिर्फ 5,000 ही थे नंबर में, उनके सिर भी जो उनका शेर था उनके पास बहुत अच्छे हथियार थे मुगल्स के पास, तो कैसे जीत सकते, बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। एक टेरिबल वॉर होता है इनके बीच में। अब ब्रेवरी जो बहादुरी उनकी देखकर, उनकी जो वीरता है उसको देखकर, सतनामीज की स्किल्स को देखकर मुगल जो सोल्जर्स है वो बहुत डर जाती है। एंड इट वाज एज इफ ये ऐसा था कि जो सतनामीज हैड कम विद, अब ये ऐसा देखा गया कि जो सतनामीज है ना वो बिल्कुल एक शपथ लेकर आए कि हमें वापस नहीं जाना। 100 ऑफ सतनामीज जो है उनका वध किया जाता है, उनको मार दिया जाता है मुगल आर्मी के द्वारा, कुडंट मूव फॉरवर्ड, लेकिन वो मुगल आर्मी जो है वो आगे नहीं बढ़ती है फिर भी। फाइनली ड्यू टू द ग्रेटर नंबर, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा सुपीरियर अच्छे अच्छे वेपन्स होते हैं और डिसिप्लिन उनका अच्छा तरीके से फाइट करने का तरीका होता है, बहुत सारे उनके पास हथियार होते हैं, तो मुगल आर्मी जीत जाती है। अबाउट 5,000 सतनामीज को बलिदान देना पड़ता है, जो रॉयल आर्मी होती है वो बहुत ज्यादा सफर हो जाती है एंड लोट, लेकिन औरंगजेब बहुत खुश हो जाता है इस जीत से। ही गेव टाइटल्स, और जो वॉर लॉर्ड्स थे जो लड़ाई करने गए थे उनको बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस देता है, उनको टाइटल्स देता है, क्योंकि इनकी वजह से तो जीत जाते हैं। सतनामी जो विद्रोह है उसको दबा दिया जाता है अकबर औरंगजेब के द्वारा। एंड आफ्टर उसके बाद वो ट्राई टू वेंट हिज एंगर बाउट बाय, इसके बाद वो रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, इन द रीजन ऑफ हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा के रीजन में जाते हैं, वहां पर जो चीजें होती है रिलीजियस हिंदूज की उनको तोड़ देते हैं। नेवरथलेस दिस रिबेलियन शूक द हिंग्स ऑफ द मुगल एम्पायर, जो ये जो विद्रोह था वो वहां के मुगल एम्पायर को बिल्कुल क्या करते हैं झटका दे देते हैं। आफ्टर द सतनामीज के बाद जो राजपूत होते हैं, जज होते हैं, बुंदेल्स होते हैं, सिख्स होते हैं, वो रिवोल्ट करते हैं एक के बाद एक, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हम इसके एक्सरसाइज करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सवाई राजा जय सिंह मेड द सिटी ऑफ डैश हिज कैपिटल। अब देखो जो सवाई राजा थे जय सिंह वो कौन सी कैपिटल को अपनी वो बनाते हैं, तो जयपुर को अपनी कैपिटल बनाते हैं। जो सन था राजा जयवंत सिंह का जो बेटा था उसका नाम अजीत सिंह था, वो पैटर्नाइज बाय दुर्गादास राठौर जो उसको पैटर्नाइज कर रहे थे। अब जट अपोज करते हैं मुगल्स को 1669 एडी में किसकी लीडरशिप के अंदर, गोकुल की लीडरशिप के अंदर। डैश सेक्ट वाज एस्टैब्लिश बाय बिरबल इन नारनौल, नारनौल में कौन सा सेक्ट था, सतनामी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सवाई राजा जय सिंह होता है बिल्डर ऑफ द ऑब्जर्वेटरीज, जो बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी वो सवाई राजा जय सिंह ने ही बनवाई थी। सो महाराजा सूरजमल जो थे वो इनविजिबल बिल्डर थे, लोगर के फोर्ट को इन्होंने बनवाया था।
संत बीरबन जो थे वो एक सतनामी सेक्ट से थे। दुर्गादास राठौर एक बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है वीरता का और पातुरी का। तो जो हमारा चैप्टर है रीजनल रेजिस्टेंस टू मुगल इन 17th सेंचुरी, ये कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।